हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्रेंड आरके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप के बारे में। एक नंबर का जो ऐप है, आज यूट्यूबर बनने के लिए सभी जितने भी लोग हैं यूट्यूबर्स, वो यही स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी अपने वीडियो के लिए ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, एक्स रिकॉर्डर इस ऐप का नाम है। इसको कैसे यूज करते हैं, एक्स रिकॉर्डर जो ऐप है वो यूज करने का सही तरीका क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आपके जितने भी डाउट्स है आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाता है। प्ले स्टोर से आपको इसको कर लेना है डाउनलोड। उसके बाद दोस्तों, इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ से ओपन, ठीक है। इस प्रकार से ओपन होने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। इसमें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर दोस्तों, आसानी से आपको सिर्फ बैक चले जाना है। अगर सेटिंग करनी है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑडियो सेटिंग है, यहाँ पर माइक्रोफोन का ऑप्शन आ रहा है, जिसके ऊपर अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको म्यूट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि अगर आप किसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो और आवाज़ नहीं रिकॉर्ड करना चाहते तो यहाँ पर म्यूट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर मैं चला जाता हूँ बैक। उसके बाद में दोस्तों, वीडियो सेटिंग, ये तो आप डिस्प्ले के हिसाब से आप रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको कौन से मेमोरी कार्ड में लोकेशन ऐड करना है या फ़ोन पे में, ये यहाँ पर सेटिंग में शो हो रहा है। उसके बाद में दोस्तों, इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से चला जाऊँगा बैक, ठीक है, बैक चले जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है जब भी आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप को ओपन करते हो, ठीक है। ये जो ऐप, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन ही मेन होता है पूरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आप देख सकते हो चार ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं, ठीक है, जिसमें से सेकंड वाले पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको छः ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जो कि स्क्रीनशॉट आप रिकॉर्डिंग करते करते या फिर वीडियो बात करते करते आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसके भी साथ आपको बात करनी है, ठीक है, कर रहे हो। ये कैमरा के ऊपर अगर क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपका कैमरा का जो फ्रंट वाला कैमरा है वो ऑन हो जाता है और स्क्रीन में कई एक कोने में एक छोटा सा ये जो कैमरा का आइकॉन दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको फोटो शो होता है, ठीक है। आपका लाइव वीडियो जो है उसमें आता है और स्क्रीन में भी आप बता सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ब्रश का है। ब्रश के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो दोस्तों, ब्रश का तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये दो नीचे के बता देता हूँ। यहाँ पर ऑडियो सेटिंग वही सेम वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया, म्यूट कर सकते हो, यहाँ से भी आप म्यूट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला था ब्रश का। जैसे मैं ब्रश के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देख सकते हो मैंने ब्रश के ऊपर जैसे क्लिक किया, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल गया नीचे के साइड में, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ, और एक ऑप्शन खुल गया आपके सामने, तो ये ब्रश का, इसके ऊपर अगर क्लिक कर देते हो तो अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इसको आप अलग अलग जगह पर यहाँ पर मूव भी कर सकते हो। दोस्तों, इसको यूज़ कैसे करना है, जब भी मान लीजिए कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पर आपको पेंसिल की ज़रूरत है तो आप इस प्रकार से पेंसिल से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पेंसिल वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ओके, यहाँ पर पेंसिल वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। अगर बैक जाना है तो आपको बैक वाले पर एक बार ऐसे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको चौकोन चाहिए तो चौकोन वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका चौकोन आ चुका है, ओके। उसके बाद में फिर इसको बैक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों, राउंड भी इसी प्रकार का है, यहाँ पर गोल आप कर सकते हो। उसके बाद में एरो अगर चाहिए तो आप एरो भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये ऐसे एरो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो, ओके। तो इसके बाद मैं बैक चला जाता हूँ। अगर आपको कुछ छुपाना है वीडियो में, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट वाले पर आप देख सकते हो मैंने इसको छुपा दिया, ओके। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से, अभी बैक चला जाता हूँ। उसके बाद में कैमरा, वही ऑप्शन दोस्तों, कैमरा वाला कि आपका यहाँ पर छोटा सा एक फ़ोटो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है जिससे आप बात कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर कलर का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे कि ये ग्रीन वाला है तो मैं यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट किया ना, ये ग्रीन वाला यहाँ पर। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये ऑप्शन है। आई होप कि मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया है वो आपको समझ में होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।